आबकारी विभाग के द्वारा जैसे ही नए शराब दुकानों के टेंडर किए गए, उसके बाद शहर के कई इलाकों में शराब दुकानों को हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। गोरखपुर और गढ़ा में शराब दुकान को हटाने के लिए क्षेत्रीय जन धरने पर बैठे। इसी कड़ी में रांझी थाना क्षेत्र गांधी चौक स्थित शराब दुकान को क्षेत्र से हटाने के लिए महिलाएं और क्षेत्रीय जन सड़कों पर उतर आए। शराब दुकान के सामने प्रदर्शन करते हुए दुकान में तालाबंदी कर दी। वही महिलाएं शराब दुकान के सामने धरने पर बैठ गई। महिलाओं के द्वारा बस्ती से शराब दुकान को हटाने की मांग की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से शराब दुकान को बंद रहने की बात कही गई। वहीं क्षेत्रीय महिलाओं का कहना है कि गांधी चौक में विगत एक साल से यह दुकान संचालित हो रही है, जिसे लेकर पूर्व में भी धरना दिया गया था, जहां कलेक्टर के द्वारा शराब दुकान को शिफ्ट किए जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन शराब दुकान संचालक ने कोर्ट से स्टे ले लिया था, जिसके बाद लगातार शराब दुकान संचालित हो रही थी। इसके चलते महिलाओं और बच्चों का निकलना भी दूभर हो गया था। वहीं असामाजिक तत्व शराब पीकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे। वहीं आगे बच्चों का स्कूल भी है। कई बच्चों के साथ असामाजिक तत्व शराब के नशे में मारपीट और गाली गलौज करते थे। 1 अप्रैल को पुनः नया टेंडर कर दिया गया, जबकि 1 अप्रैल को दुकान बंद किए जाने की बात कही गई थी। वहीं पुनः शराब दुकान खुल जाने पर क्षेत्रीय जनों के द्वारा धरना देते हुए दुकान हटाने की मांग की गई। पूर्व कलेक्टर थे, उन्होंने आदेश भी कर दिया था कि ये शराब दुकान वहां से 7 दिन के अंदर बंद की जाएगा, लेकिन ये शराब माफिया लोग जो है, इन्होंने कोर्ट से कहीं से क्या किया क्या नहीं किया, स्टे ऑर्डर ले आया था। हम लोग उसके कोर्ट का सम्मान करते हुए फिर विरोध बंद कर दिया था, लेकिन कल उनका यानी कोर्ट का आदेश खत्म हो गया था। आज से हम लोगों ने पुनः यानी कि आंदोलन शुरू कर दिया है, क्योंकि गांधी चौक यहां से नज़दीक है, आगे स्कूल है, नर्सरी से लेकर के 5 क्लास तक बच्चे बच्चियां सब पढ़ते हैं। इस मुद्दे में हम लोग आंदोलन क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये कलारी यहाँ से ये लोग कहीं भी ले जाएं, हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से हटना चाहिए था, बस यही हमारी मांग है। नाम आपका? मेरा नाम बाबा गोंडिया। ठीक, प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ हम लोगों का, 1 साल होने जा रहा है, पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है कलारी बंद होने का। आज कलारी बंद होनी थी 1 अप्रैल को, बाकी इन लोगों ने बंद नहीं किया। दूसरे लोगों को नया टेंडर दे दिया गया, जबकि यहाँ आज बंद होना था कलारी। क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों को? बहुत समस्याएं हैं यहाँ पर, बच्चों का स्कूल का आना जाना सामने ही, बाजू में ही गांधी चौक है, यहाँ पे मतलब पूरी बस्ती बसी हुई है सामने, बाजू से स्कूल लगा हुआ है, इसलिए हम अपील कर रहे हैं। नाम आपका? आज कहाँ पे ये जो विरोध प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा, कौन सी बस्ती है, क्या है पूरा मामला? ये रांझी पुरानी मोहनिया है, और यहाँ विगत 1 साल से स्थानीय महिलाएं इस कलारी को हटाने के लिए संघर्षरत है, और इसी के कारण यहाँ की पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं है। गरीब बेचारे दहाड़ी मजदूरी वाले रहते हैं, और वो सारा उनका परिवार, एक तरफ से महिलाओं का परिवार जो है वो खराब हो रहा है। इस दृष्टि से देखते हुए जिला कलेक्टर को आदरणीय, जब आबकारी अधिकारी को कलेक्टर साहब से हम लोग मिले थे, तो उन्होंने एक आदेश निकाला था कि ये 2023 31 मार्च को ये दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन पता नहीं किस आदेश के तहत इन लोगों ने फिर कलारी को खोला है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इनको ये लोग आदेश को नहीं मान रहे हैं, ये ठेका कंपनी वाले, तो अभी इसीलिए हम लोग आदरणीय टीआई साहब के पास जाएंगे, रांची थाना प्रभारी के पास, उसके बाद हम लोग कलेक्टर साहब से मिलेंगे और आबकारी से मिलेंगे, क्योंकि आदेश की कॉपी हमारे पास है। मैं श्रीमती रेखा चौधरी, जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।